मोनिट्री पॉलिसी स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि मैक्रो इकनॉमिक बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करने के लिए दो मेन पॉलिसीज़ हैं एक मॉनेटरी पॉलिसी है और दूसरी फिजिकल पॉलिसी आज हम मॉनिटरी पॉलिसी पर बात करेंगे मॉनिटरी पॉलिसी से मुराद ये है द सेट ऑफ एक्शन एंड स्ट्रेटीज़ इम्प्लीमेंटेड बाई कंट्रीज सेंट्रल बैंक टू इंफ्लुंस इंटरेस्ट रेट्स एंड आर मनी सप्लाई इन द इकॉनमी विद द ऑबजेक्टिव टू कीप ओवरऑल प्राइसिस एंड फाइनेंशियल मार्किट स्टेबल्स ठीक है मॉनिटरी पॉलिसी कौन कंडक्ट करता है कौन रिस्पॉन्सिबल है मोनिट्री पॉलिसी के लिए हर मुलक का सेंट्रल बैंक रिस्पॉन्सिबल है और उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि प्राइसिस को स्टेबल रखा जाए और फाइनेंशियल मार्किट्स को स्टेबल रखा जाए और उसके लिए क्या उसकी स्ट्रेटजी क्या होती है कि वो मनी सप्लाई के ज़रिए से या इंटरेस्ट रेट के जरिए से ये ऑब्जेक्टिव हासिल करने की कोशिश करते हैं सो so, हम जानते हैं डिफरेंट स्कूल ऑफ थाट्स हमने पढ़े हैं इस कोर्स में तो आल मैक्रो इकोनॉमिक मॉडल्स दैट चेंजेस इन द मनी सप्लाई विल अफेक्ट नामिनल वेरिएबल सच एज द प्राइस लेवल एंड द नामल एक्सचेंज रेट यानी इस बात पर तमाम स्कूल ऑफ थाट्स का एग्री agree है एग्रीमेंट है कि मॉनेटरी पॉलिसी जो है मनी सप्लाई में जब चेंज आएगी तो जो नॉमिनल वेरिएबल्स हैं ओके okay, मसम प्राइसिस और नॉमिनल एक्सचेंज रेट ये उससे इन्फ्लुएंस होते हैं मनी सप्लाई इनको अफेक्ट करते हैं इस पर तमाम का इतफाक़ है और जहाँ पर डिसग्रीमेंट है वो उसमें भी जो केंद्र स्कूल ऑफ थार्ट है और जो क्लासिकल का जो स्कूल ऑफ थार्ट है एक्सटेंडेड जिसे हमने पढ़ा था मिसपरसेपशन तो उसके तहत ये है कि मनी सप्लाई वो शॉर्ट टर्म में रियल वेरिएबल्स को भी अफेक्ट करती है कि शॉर्ट टर्म में रियल वेरिएबल्स सच एस रियल जीडीपी रियल इंटरेस्ट रेट एंड द अनएम्प्लॉमेंट रेट तो शॉर्ट टर्म में यानी नॉमिनल वेरिएबल्स पर तो एग्रीमेंट है कि लॉन्ग रन में और शॉर्ट टर्म में भी मॉनिटरी पॉलिसी जो है वो उनको इन्फ्लुएंस करती है लेकिन कुछ स्कूल ऑफ थाट के मुताबिक ये रियल वेरिएबल्स को भी अफेक्ट करती है सो मनी सप्लाई कैसे डिटरमिन होती है उसके मेन कौन उसके फोर्सेस हैं जो उसको डिटरमिन करती हैं जो मेजर फोर्स है वो तो सेंट्रल बैंक वो रिस्पॉन्सिबल है मॉनेटरी पॉलिसी के लिए मनी सप्लाई के लिए उसके अलावा मुल्क का बैंकिंग सिस्टम जो है डिपॉजिटरी इंस्टीट्यूशंस ठीक है वो आप जानते हैं कि डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करते हैं लोन देते हैं उसके ज़रिए से वो मनी सप्लाई को चेंज करते हैं और तीसरा जो फैक्टर है वो पब्लिक पीपल और फॉर्म्स हैं वो मनी एज अ करेंसी भी होल्ड करते हैं और एज बैंक डिपॉजिट्स भी होल्ड करते हैं तो उनका ये बिहेवियर भी मनी सप्लाई को इन्फ्लुएंस करता है तो ये तीन मेजर फोर्सेस हैं तीन एक्टर्स हैं जो मनी सप्लाई डिटरमिन करते हैं सेंट्रल बैंक ओके बैंकिंग सिस्टम जो है और पब्लिक सो द सेंट्रल बैंक जैसे पाकिस्तान में आप जानते हैं स्टेट बैंक उसका नाम है बैलेंस शीट शोइंग इट्स एसेट्स एंड लाइबिलिटीज द साम ऑफ रिज़र्व डिपॉजिट्स एंड करेंसी हेल्ड बाई द नॉन बैंक पब्लिक एंड बाई बैंक इस कार मॉनिट्री बेस्ड आर हाई पावर मनी सो दाम ऑफ रिजर्वस डिपॉजिट्स एंड करेंसी मुल्क में जो करेंसी की अमाउंट है और जो रिजर्व डिपॉजिट्स हैं ये मिलकर हमारी मॉनिटरी बेस बनती है या हाई पावर मनी इसे कहते हैं सो वेन बैंक रिजर्व आर इक्वल टू डिपॉजिट सिस्टम इज कॉल्ड हंड्रेड परसेंट रिजर्व बैंकिंग बैंकों के पास जितने डिपॉजिट हैं अगर वो सब सबके सब डिपॉजिट्स के बराबर ही अपने पास लिक्विडिटी uh, होल्ड करते हैं रिजर्व होल्ड करते हैं तो दिस इज कॉल्ड हंड्रेड परसेंट रिजर्व बैंकिंग बट लेकिन आप जानते हैं कि बैंक लैंड आउट सम ऑफ their डिपॉजिट्स as ओनली अ फ्रैक्शन ऑफ reserves आर नीडेड टू मीट द नीड फॉर outflows. के बैंक्स के पास जितने डिपॉजिट्स आते हैं आपने ये मैक्रो इकनॉमिक्स के जो दूसरे कोर्सेज में भी ये बात पढ़ी होगी कि वो सारे ज़रूरत नहीं होती कि वो सारे अपने पास कैश की फॉर्म में रखें ठीक है वो कुछ रिजर्वस की फार्म में कैश की फार्म में रखते हैं बाकी वो लोन आउट कर देते हैं अमाउंट इफ़ द बैंक नीड्स टू कीप ओनली ट्वेंटी फाइव परसेंट ऑफ़ द अमाउंट of its deposit on reserves to meet the demand for funds it can lend the other 75% फाइव परसेंट के अगर उसके पास जो डिपॉज़िट्स हैं वो अगर उसका जस्ट ट्वेंटी फाइव परसेंट अपने पास रिज़र्वस के फॉर्म में रखे और बाकी सेवेंटी फाइव परसेंट के कर्ज दे दे और उस ट्वेंटी फाइव परसेंट से वो अगर अपनी जो डेली रूटीन की नीड्स हैं उनको वो फुलफिल कर दें यानी कुछ लोग पैसे जमा करवाने आते हैं कुछ निकलवाने आते हैं तो वो 25% रिजर्व से उस जरूरत को पूरा कर सकते हैं अगर ये सूरत हाल है द रिज़र्व डिपॉजिट रेशो इस सूरत में 25% होगी वैन द रिजर्व डिपॉजिट रेशो इज लेस दैन हंड्रेड परसेंट यानी हंड्रेड की बजाय वो जस्ट ट्वेंटी अपने पास इन द फॉर्म ऑफ रिज़र्व रख रहे हैं तो इफ़ इट इज लेस दैन हंड्रेड परसेंट जैसे ये ट्वेंटी है दिस सिस्टम इज कॉल्ड फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग टूल्स ऑफ मॉनिटरी पॉलिसी सेंट्रल बैंक किस तरह से मॉनेटरी पॉलिसी को कंडक्ट करते हैं उसके पास क्या टूल हैं जो मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज होता है वो है ओपन मार्केट ऑपरेशन द मोस्ट डायरेक्ट एंड फ्रीक्वेंटली यूज वे ऑफ चेंजिंग द मनी सप्लाईज बाई रेजिंग आर लोअरिंग द मोनिट्री बेस थ्रू ओपन मार्केट ऑपरेशन ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या है टू इंक्रीज द मोनिट्री बेस्ड सेंट्रल बैंक प्रिंट मनी एंड यूज इट टू बाई एसेट्स इन द मार्केट दिस इज एन ओपन मार्केट ऑपरेशन ठीक है कि सेंट्रल बैंक जो है वो मॉनिट्री बेस हमने देखा था कि वो किसके इक्वल होता है करेंसी प्लस बैंक डिपॉजिट ओके सो क्या करता है सेंट्रल बैंक कि वो मनी प्रिंट करता है और उस प्रिंटेड मनी जो है उससे वो एसेट्स बाय करता है और उसके नतीजे में इकॉनमी में जो है वो मनी सप्लाई में इजाफा हो जाता है दिस इज़ एन ओपन मार्केट परचेज इफ सेंट्रल बैंक वांट्स टू डिक्रीज द मॉनिट्री बेस अगर वो इकोनॉमी में मनी सप्लाई को मॉनिट्री बेस्ड को अगर वो कम करना चाहता है अभी हम इसमें डिटेल पर बात करेंगे कि मनी सप्लाई और मॉनिट्री बेस और इनमें क्या फ़र्क है तो अगर वो मॉनिट्री बेस को कम करना चाहता है तो उसके नतीजे में वो क्या करेगा यानी बढ़ाने के लिए वो एसेट्स को परचेज़ करेगा और कम करने के लिए एसेट्स को वो सेल करेगा सेल करने के नतीजे में क्या होगा इकॉनोमी में से मनी जो है वो निकल आएगी और इस तरह उसमें कम कमी वाकई हो जाएगी सो सेकेंड टूल उसके पास क्या है रिज़र्व्स रिक्वायरमेंट द सेंट्रल बैंक सेट्स द मिनिमम फ्रैक्शन ऑफ ईच टाइप ऑफ डिपॉजिट्स अ बैंक मस्ट होल्ड एज रिज़र्व जो अभी हमने बात किया था बात की थी कि यानी बैंक्स के पास जितने डिपॉजिट्स आते हैं उसका कितने परसेंट वो अपने पास एज रिज़र्व रखें सो दैट कि वो जो अपनी रूटीन की ज़रूरिया हैं वो पूरी कर सके तो ये जो रिज़र्व रेशियो है ये सेंट्रल बैंक उसको फिक्स करता है एंड इनक्रीज इन रिजर्व रिक्वायरमेंट फोर्स बैंक्स टू होल्ड मोर रिज़र्व दस रिड्यूसिंग द मनी मल्टीप्लायर सो जब इस रेशो में रिज़र्व रिक्वायरमेंट में इजाफा हो जाएगा तो उसके नतीजे में इकॉनोमी में मनी सप्लाई कम हो जाएगी क्योंकि उसकी वजह से बैंक्स पहले से कम कर्ज देने के काबिल होंगे तो मनी मल्टीप्लायर की के थ्रू मनी सप्लाई को कम किया जाएगा थर्ड ऑप्शन क्या है डिस्काउंट विंडो लैंडिंग डिस्काउंट विंडो लैंडिंग इज लैंडिंग रिज़र्व टू बैंक सो दे कैन मीट डिपॉजिटर्स आर रिजर्व रिक्वायरमेंट्स कि ये एक ऑप्शन सेंट्रल बैंक प्रोवाइड करता है बैंकों को कि अगर किसी वक्त उनकी जो रिज़र्व की रिक्वायरमेंट है और लोगों की जो डिमेंड्स है वो पूरी करने के पास उनके पास सफिशेंट रिजर्वस नहीं है तो वो उनको फिर डिस्काउंट विंडो लैंडिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है द इंटरेस्ट रेट ऑन सच बॉरिंग इज़ कॉल्ड द डिस्काउंट रेट यानी ये जो कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक से बॉरिंग करते हैं इस मकसद के लिए तो उस वो उस पर जो इंटरेस्ट रेट है दिस इज़ कॉल्ड द डिस्काउंट रेट पॉलिसी रेट भी इसे कहते हैं रिवर्स रेपो रिपर्चेज ऑप्शन रेट वगैरह इसके नाम है टू हार्ड फाइनेंशियल पैनिक्स बाई एक्टिंग एज अ लैंडर ऑफ लॉस्ट रिजार थ्रू द डिस्काउंट विंडो इसके ज़रिए से वो क्या करता है बेसिकली सेंट्रल बैंक जो है वो कमर्शियल बैंक्स को इसकाबल बनाता है कि अगर किसी वजह से बहुत सारे लोग आ, उनकी डिमांड्स आ जाएं और वो अपने डिपॉज़िट्स वापस लेने के लिए आ जाएं तो बैंक्स तो जाहिर है उसका एक ख़ास रेशो आपके पास रखता है बाकी वो लोन आउट कर देता है तो ताकि वो बैंकों को इसकाबल बना देता है इस फैसिलिटी के ज़रिए से कि वो लोगों की जो नीड्स हैं उनको वो मीट कर सके तो एज अ लॉस्ट रिजॉर्ट उनके काम करता है अ डिस्काउंट लोन इंक्रीज द मॉनिट्री बेस तो ये जो फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है इसके नतीजे में ओबियसली मॉनिट्री बेस में इजाफ़ा हो जाएगा और इंक्रीज इन द डिस्काउंट रेट डिस्कर्ज बोरिंग एंड रिड्यूस द मॉनिट्री बेस अगर इस डिस्काउंट रेट में इजाफ़ा कर दिया जाएगा तो दहर है ये कर्ज उनके लिए महंगे हो जाएंगे कमर्शियल बैंक्स के लिए वो कम बोरिंग करेंगे और इसके नतीजे में मनी सप्लाई इकोनॉमी में कम हो जाएगी ओके थैंक यू